नमस्ते बच्चों। देखिए पिछली क्लास में हमने आपको भक्तिकालीन ब्रज भाषा का साहित्य बताया था कि भक्तिकाल में ब्रज भाषा का कैसे विकास हुआ, उनके कौन कौन से प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो ब्रज भाषा में लिखी गई। पिछली क्लास में इस विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई थी। भक्तिकाल के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, हितहरिवंश हैं इस तरह, और यहां तक कि जो अवधि के कवि थे, बहुत ही भक्तिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने भी प्रभावित होकर के सूरदास की ब्रजभाषा से प्रभावित होकर के ब्रजभाषा में काव्य रचना करने के लिए विवश हो गए और उन्होंने भी अपनी गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली आदि रचनाओं की जो रचना की वो ब्रजभाषा में की। ठीक, तो पिछली क्लास में मैंने भक्ति काल के विषय में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि रीति काल में ब्रजभाषा का विकास, रीति काल में ब्रजभाषा का कैसे विकास हुआ, उनके कौन कौन से प्रमुख कवि थे रीति काल के जिन्होंने ब्रजभाषा में रचनाएं की, और उन कवियों की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाए, क्या कि रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाए। तो इनमें से दो कवि ऐसे हैं जिनको विद्वान प्रथम कवि मानते हैं, पहले हैं आपके केशवदास और दूसरे हैं चिंतामणि। कुछ विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ चिंतामणि को। ठीक, यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो चिंतामणि ही रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, और यदि केशवदास को माना जाए, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाए, तो इनकी जो उन्होंने जो ब्रजभाषा में कुछ काव्य लिखे, ग्रंथ लिखे, उनका विवरण इस प्रकार है कि जो केशवदास ने रचनाएं की वो कौन कौन सी। पहली है रामचंद्रिका, दूसरी है आपकी रचना कवि प्रिया, और तीसरी है रसिक प्रिया। ठीक, ये तीन रचनाएं हैं केशवदास की। ये तीनों रचनाएं क्या हैं? इन पर ये रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्या है, ये तीनों रचनाएं रीति ग्रंथ, यानी इन तीनों रचनाओं में रस, छंद और अलंकार का विवेचन किया गया है। ठीक, और परंपरागत उपमानों की सहायता से नखसिख वर्णन में राधा के विभिन्न अंगों का भी वर्णन किया गया है। ठीक, नखसिख वर्णन में भी जो राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन ब्रजभाषा में किया गया है। ठीक है, देखिए इसके पश्चात में क्या कि रीतिकाल में काव्य निरूपण, रीतिकाल में क्या हुआ कि जो काव्य निरूपण हुआ उनकी जो विशेषता थी क्या कि रीतिकाल में जो काव्य निरूपण हुआ उनकी विशेषता क्या थी कि उन रीतिकाल में श्रृंगार चित्रण, प्रकृति चित्रण, हैं, और चमत्कार प्रदर्शन, ठीक है, ये जो है आदिकाल का विवेचन बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया। रीतिकाल में श्रृंगार चित्रण, प्रकृति चित्रण, चमत्कार प्रदर्शन आदि का विवेचन बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया।
रीतिकाल का जो संपूर्ण रीति काव्य था वो ब्रजभाषा में लिखा गया। किसमें? ब्रजभाषा में, ठीक है। अब देखिए आगे के जो रीति मुक्त कवि थे, देखिए रीति काल के अंतर्गत तीन शाखाएं प्रवाहित हुई, कौन कौन? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि कौन होते थे? जो रीति के बंधनों में बंध करके काव्य रचना करते थे। और रीति सिद्ध जो रीति के बंधन थे उस पर बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र होकर के रचनाएं की, ठीक। जो रीतिबद्ध कवि थे वो कौन थे? जैसे चिंतामणि, द्विजदेव। रीति सिद्ध कौन थे? बिहारी। इनको रीति का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने रीति के बंधनों में बंध करके उन्होंने काव्य रचना नहीं की, उन्होंने स्वच्छंद होकर के काव्य रचना की। और फिर रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। ये आपके रीति मुक्त कवि हैं चार, घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम, ठीक। इन्होंने क्या किया कि इन कवियों ने रीति के बंधन से मुक्त होकर के स्वच्छंद, जो प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है, ठीक है। ब्रजभाषा जो थी रीतिकाल की, उसने अपने माधुर्य, पद लालित्य एवं प्रांजलता के कारण लोकप्रिय काव्य भाषा बन गई, लोकप्रिय काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई और अपने संपूर्ण रीतिकाल में, क्या भक्तिकाल में भी ब्रजभाषा थी, तो ब्रज भक्तिकाल के उपरांत संपूर्ण रीतिकाल में क्या ब्रजभाषा का आधिक्य हो गया, यानी ब्रजभाषा का रीतिकाल में बाहुल्य हो गया, अधिकता हो गई, यानी चरम सीमा पर ब्रजभाषा थी। यानी जो कुछ भी काव्य लिखे गए रीति काल में वो सारे ब्रजभाषा में लिखे गए, ठीक है। यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो रीतिकालीन जो कवि थे या रीतिकालीन जो कवियों की जो भाषा थी वो भक्तिकालीन कवियों की तुलना में बहुत ही क्या थी? सरस थी, बहुत ही सरस, मधुर एवं सुंदर। किसकी अपेक्षा? भक्तिकाल की अपेक्षा रीतिकाल में बहुत ही उनकी भाषा सरस, सुंदर और मधुर थी। जिनमें से बिहारी जो रीतिकाल के कवि हैं, कौन कौन? बिहारी, घनानंद, देव हैं, ये आपके जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं, रसखान हो गए, मतिराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर आदि कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में अपने काव्यों की रचना की है, ठीक। तो इस तरह से रीतिकाल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो ब्रजभाषा का विकास हुआ, ठीक है। अब इसके पश्चात में हम लोग देखते हैं क्या कि रीतिकाल के कौन कौन से कवि थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो देखिए रीतिकाल के कवि, पहला सारणी बना लेते हैं क्या कि रीतिकाल के कवि, और दूसरा आगे क्या रचनाएं, ठीक है, ये आपकी रचनाएं हो जाएंगी। देखिए पहले नंबर पर कौन से कवि हैं? आपके चिंतामणि। ठीक, इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो ब्रजभाषा में लिखी गई? काव्य विवेक, काव्य
प्रकाश कविकुल कल्पतरु, क्या कविकुल कल्पतरु, रस विलास, ठीक है, ये जो है रचनाएं रस विलास और श्रृंगार मंजरी। देखिए क्या रस विलास और श्रृंगार मंजरी, ये चिंतामणि की रचनाएं थी जो ब्रजभाषा है। इसके पश्चात में अगले कवि हैं आपके केशव, केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ठीक। फिर केशव के पश्चात में आते हैं आपके देव, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, भाव विलास, भवानी विलास, क्या भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। देखिए एक रचना रस विलास देव की और दूसरी है चिंतामणि की, ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके देव के पश्चात में फिर अगले कवि आते हैं आपके द्विजदेव, कौन द्विजदेव, ठीक है, तो इसमें देखिए द्विजदेव की कौन कौन सी रचनाएं हैं, श्रृंगार लतिका, ठीक है, और श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा, ये आपकी द्विजदेव की रचनाएं हो गई। इसके पश्चात में द्विजदेव के पश्चात में अगले कवि हैं आपके सेनापति, सेनापति की रचना है कवित्त रचना रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर। फिर सेनापति के पश्चात में कवि हैं आपके कौन, पद्माकर, इनकी रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण, कौन कौन, जगत विनोद, पद्माभरण, कल्पचीसी, कल्पचीसी, प्रबोध पचासा और प्रबोध पचासा और इसके पश्चात में गंगा लहरी, ठीक, ये आपकी पद्माकर की रचनाएं हो गई। इसके पश्चात में पद्माकर के पश्चात में अगले कवि हैं आपके बोधा, कौन है बोधा, इनकी रचनाएं देखिए इश्कनामा, क्या कर रचना है, इश्कनामा और विरह वारिस, ठीक। फिर बोधा के पश्चात आते हैं आपके घनानंद, कौन है घनानंद, इनकी रचनाएं देखिए घनानंद की वियोग बेली, कोकसार और कृपा कांड, ये आपकी घनानंद की रचनाएं हो गई। इसके पश्चात में आते हैं आपके
भूषण, ठीक है, भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये आपकी भूषण की रचनाएं हो गई, ठीक है। इसके पश्चात में भूषण के पश्चात में फिर अगले कवि हैं आपके बिहारी। बिहारी ने मात्र एक ही रचना लिखी, कौन, बिहारी सतसई। बिहारी लाल जी ने एक ही रचना लिख करके रीतिकाल में अपना नाम अमर कर लिया। इनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है, यानी कम शब्दों में सब कुछ कह दिया, ठीक। फिर आपके बिहारी के पश्चात में आते हैं मतिराम, कौन, मतिराम। इनकी रचनाएं देख लीजिए, रसराज, ललित ललाम, रसराज, ललित ललाम, ठीक है, और व्रत कौमुदी, क्या, व्रत कौमुदी और अलंकार पंचासिका, अलंकार पंचासिका, जिनमें से मतिराम का सबसे प्रसिद्ध जो है वो रचना है आपकी रसराज, ठीक है। तो इस तरह से आपका रीतिकाल में जो ब्रजभाषा का विकास था कैसे कैसे हुआ और उनके कौन कौन से प्रमुख कवि थे तथा उनकी प्रमुख रचनाएं थी, इसके विषय में आपको हमने आज बताया, ठीक। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का कैसे विकास हुआ है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का साहित्य या आधुनिक काल में ब्रजभाषा का विकास, तो अगली क्लास में हम लोग ये बताएंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, धन्यवाद।